हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास रहेगी एचपी चैट के पुराने पेपरों में आए एचपी जी के क्वेश्चंस के ऊपर। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिए हैं, परंतु फिर से एक बार मैं आपको एचपी जी के मेन मेन क्वेश्चन जो टैट के पुराने पेपरों में आए हैं वो सारे करवा रही हूँ। और ये अलग अलग स्ट्रीम के पुराने पेपर रहेंगे, जैसे कि आर्ट्स के हो गए, जेबीटी के हो गए, शास्त्री के हो गए, मेडिकल के हो गए, नॉन मेडिकल के हो गए एक्सेट्रा। तो एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी 47 क्लासेस इससे पहले एचपी टैट के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट पे डाल दी गई हैं, और 6 क्लासेस एचपी जीके की जो है वो अलग से डाली गई हैं। और बाकी आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, तो अच्छे से आपने इसे कर लेना है। जहाँ पे एक्स्ट्रा होगा मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताऊँगी, और ख़ुद भी देखें कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियो जो है अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। क्वेश्चन रहेगा कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए? सही आंसर रहेगा डी, दामोदर दास। ये जो रघुनाथ मंदिर है, इस मंदिर को 1651 में राजा जगत सिंह ने बनवाया था। रघुनाथ जी का मंदिर जो है वो 1651 में राजा जगत सिंह जी के द्वारा जो है वो बनवाया गया है। यहाँ ऑप्शन में थे भी राजा जगत सिंह, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ही दोनों ऑप्शन में थे। यह कुल्लू के मुख्य देवता रघुनाथ जी को समर्पित है रघुनाथ मंदिर। इस मंदिर में रघुनाथ जी की अयोध्या से लाई गई मूर्ति स्थापित की गई है, और अयोध्या से इस मूर्ति को लाने के लिए रघुनाथ जी की जो मूर्ति अयोध्या से आई हुई है वो लेकर के आए थे दामोदर दास, और मंगवाई थी राजा जगत सिंह ने। और मंदिर भी रघुनाथ जी का बनवाया है राजा जगत सिंह ने 1651 में। तो इतना आपने यहाँ से एक्स्ट्रा याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा कि 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहली बात तो यहाँ से ये आ जाती है कि 1957 में जो है वो क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था, और 1963 में ये जो है वो भंग कर दी गई है और फिर से इसे विधानसभा में परिवर्तित कर दिया गया था। तो दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है 1957 में और इसे ख़त्म कर दिया जाता है 1963 में, या फिर ऐसा बोल लो कि इसे जो है वो फिर से विधानसभा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और उस टाइम इसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। ऑप्शन जो है ए इसके लिए सही रहेगा। और ये जो ठाकुर करम सिंह थे ना, ये पेपरों में क्वेश्चन बन जाता है कि ये कहाँ के थे, तो ये थे मंडी के, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा सी, दियोली, और दियोली है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो दियोली है ना मछली प्रजनन केंद्र, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की, तो ये है बिलासपुर में। नेक्स्ट रहेगा कि कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो लाल चंदर प्रार्थी जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा। देवराज शर्मा की भी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें रहेगी जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो देवराज शर्मा की पुस्तकें हैं, एक है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, और दूसरी किताब रहेगी हिमाचल प्रदेश परिचय। तो इतना आपने याद रखना है। और एक यहाँ पे दिए गए हैं ई जे बक, तो इनकी पुस्तक का नाम रहेगा शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट रहेगा 148, शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? ब्रिटिश राज के टाइम की पूछा गया है, तो ये बनी है 1864 में। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर ऐसा बने कि शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कब बनी थी, तो वो बनी थी 1966 में। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो टैट में पूछे जाते हैं और पहले पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमृता शेरगिल कौन थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चित्रकार। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है?
सही आंसर रहेगा सी शिमला में। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश की जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट आई हुई है तब वहाँ के स्थान व संस्थान जरूर बताए हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है जिसे कि शॉर्ट में IIAS लिखा जाता है, फुल फॉर्म रहेगी इसकी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडी। तो पेपरों में बच्चे कई बार ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है IIAS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो ये है शिमला के समर हिल में। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जिसे कि बोला जाता है सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन CPRI, शॉर्ट में CPRI। तो CPRI जो है सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये है शिमला के कुफरी में। इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय ये है शिमला में। हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जिसे कि बोला जाता है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में HIPAA। तो ये जो HIPAA है ये है फेयरलॉन्स में, फेयरलॉन्स में, और ये है फेयरलैंस है ये शिमला के। इतना ध्यान रखना कि जितने भी स्थान व संस्थान मैं आपको बता रही हूँ सारे के सारे शिमला के ही बता रही हूँ, महत्वपूर्ण है ये। राज्य संग्रहालय ये है शिमला में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ये भी है शिमला में। कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान ये भी है शिमला के सांगटी में। आर्मी प्रशिक्षण कमांड ये है शिमला में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे कि बोला जाता है HPPSE, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSE जिसकी स्थापना 1971 में हुई है ये है शिमला के निगम विहार में। बिस्प कॉटन स्कूल जिसे कि शॉर्ट में बोला जाता है BCS मतलब बिस्प कॉटन स्कूल ये है शिमला के कुफरी में। FCI मतलब फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ये है शिमला के कुफरी में। चीनी बंगला कुफरी में। 9 होल गोल्फ कोर्स, कई बार टेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 होल गोल्फ कोर्स जो है वो कहाँ है, तो ये है शिमला के नाल देहरा में। वाइल्ड फ्लावर हॉल, पहले टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो कहाँ पे है, तो ये है शिमला में। और राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान ये है मशोबरा में। और सेब अनुसंधान केंद्र ये भी है मशोबरा में। तो इतने आपने अब याद कर लेने। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया एक बीच में, क्योंकि हमने अलग अलग पेपर जो हैं वहाँ से ये GK के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो वहाँ पे ये भी बीच में आ गया। चलो आया है तो पढ़ लेते हैं इसे भी। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, वो कहा जाता है बंगलुरु को। नेक्स्ट रहेगा जी, किशोल गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है। तो आसान करके इन्होंने पूछ लिया था, सिर्फ जिला ही पूछा है, तो जिला तो हर कोई बता देगा। सही आंसर रहेगा सी कुल्लू में। बाकी कुल्लू में जो जो चश्मे हैं वो कर लीजिए, साथ में ही करवा रही हूँ मैं, सारे के सारे करवा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले चश्मा रहेगा वशिष्ठ। वशिष्ठ जो है ये है कुल्लू के मनाली में, और यह ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ब्यास नदी के बाएं किनारे। ये टैट का थोड़ा पुराना पेपर होगा जहाँ पे सीधा ऐसा पूछ लिया गया है कि सोल गर्म पानी का चश्मा कहाँ है, परंतु अब ऐसा नहीं रहा है। अब एग्जामिनर जो डालता है वो या तो ऐसा पूछ लेता है कि कुल्लू की कौन सी जगह पे, या सीधा पूछ लेता है कि कौन सी नदी के किनारे, कौन से किनारे स्थित है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ विशिष्ट की, तो विशिष्ट ये जो गर्म पानी का चश्मा है ये है ब्यास नदी के बाएं किनारे। तो ब से विशिष्ट और ब से बाएं और ब से ही ब्यास, तीनों का आप याद रख सकते हो। यह है कुल्लू के मनाली में। दूसरे पे मैं चलती हूँ, दूसरा रहेगा खीर गंगा। पहले आपको ऐसा करती हूँ ब्यास नदी वाले ही बता लेती हूँ। विशिष्ट हो गया ब्यास नदी के बाएं किनारे। अब सेकंड पे चलते हैं कलत। ये वाला चश्मा भी है कुल्लू में, कुल्लू के मनाली में। ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, मतलब मीडियम सा इसका पानी रहेगा। और यह जो है वो ब्यास नदी के दाएं किनारे है। याद रखते चलना कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा है, जो होगा वो मैं खुद बता दूंगी। तो ये ब्यास नदी के जो है वो दाएं किनारे स्थित है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कसोल की। कसोल हो गया, उसके बाद जो है खीर गंगा हो गया, खीर गंगा और मणिकरण। ये तीनों की तीनों चश्मे जो है ना वो पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। कसोल हो गया, खीरगंगा हो गया और मणिकरण, ये तीनों जो है वो पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। मणिकरण जो है वो ये पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है और तीनों है ये कुल्लू में, और तीनों ही गर्म पानी के चश्मे रहेंगे। कुल्लू में मैक्सिमम गर्म पानी के ही चश्मे हैं, दो ही इसमें ऐसे चश्मे हैं, एक जो है वो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, और एक है वो बस ठंडा है, बाकी सारे जितने भी हैं वो गर्म ही रहेंगे। जोगिनी ये वाला चश्मा भी जो है वो कुल्लू में ही है। नेक्स्ट बात करते हैं राहला। तो राहला जो है ये कुल्लू के मनाली में है, और सबसे फेमस इसके बारे में यही है कि ये जो है वो ठंडे पानी का चश्मा है। तो इसकी विशेषता यही है कि कुल्लू में ये अकेला ऐसा चश्मा है जो कि ठंडे पानी का है, बाकी सारे गर्म हैं, और कल्थ जो है वो ज़्यादा ना गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। बहना हो गया, ये भी है कुल्लू में। बहना जो है ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है और यह भी गर्म पानी का ही चश्मा है। और लास्ट में रहता है पालिनी, ये भी है कुल्लू में। तो जिन जिन की मैंने आपको विशेषता बताई उनको जरूर याद रखना। ब्यास से मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्यास और कलथ ये दोनों जो हैं वो ब्यास नदी के किनारे स्थित हैं। विशिष्ट जो है ब्यास के बाएं किनारे हैं और कल्थ जो है ब्यास नदी के दाएं किनारे है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हमारे पास कसोल हो गया, खीरगंगा हो गया और मणिकरण हो गया। इन तीनों का संबंध जो है वो पार्वती नदी से है। मणिकरण जो है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है। बस पाँच हो गए, इनकी यही विशेषता थी जो मैंने आपको बता दी। अब सिक्स पे जोगनी रहेगा, तो ये कुल्लू में है, इतना याद रख लेना इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं राहला, तो इसकी यही विशेषता है कि एक तो ये कुल्लू के मनाली में है और दूसरा ये ठंडे पानी का चश्मा है। और बहना जो है एट्थ नंबर पे रहता है बहना, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और लास्ट में रहता है पालिनी, ये है कुल्लू में। इतना भी याद कर लोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबाही देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो नबाही देवी मंदिर एक तो मैं आपको बता दूं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे एग्जैक्ट स्थान पूछा गया था कि एग्जैक्ट प्लेस बताओ कि कहाँ जैसे है, तो ये है सरका घाट में। बाकी मंडी के और मंदिर रहेंगे जिनमें आते हैं भूतनाथ मंदिर जिसे राजा अजबर सेन ने बनवाया था, पंचवक्तर मंदिर ये भी है मंडी में, त्रिलोकीनाथ मंदिर मंडी में, परंतु मेनली जो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो आता है पेपरों में वो लाहौल स्पीति वाला पूछा जाता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर वैसे मंडी में भी है, परंतु वहाँ पे ऑप्शन देख लेना कि कौन से दिए होंगे। अगर ऑप्शन में मंडी होगा तो फिर लाहौल स्पीति का ऑप्शन नहीं होगा, अगर लाहौल स्पीति वाला होगा तो मंडी का ऑप्शन नहीं होगा। अगर त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति वाला पूछा जाएगा तो वहाँ पे उदयपुर जो है वो लिखा होता है, उदयपुर जो है वो है लाहौल स्पीति में। तो इतना मेरी बात जरूर ध्यान रखना। टारना देवी मंदिर ये है मंडी के टारना में, माधुराय मंदिर मंडी में, कमाक्षा देवी मंदिर मंडी के करसोग में, क से कमाक्षा और क से करसोग हो गया। पराशर मंदिर, पराशर झील भी है तो वहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप। पराशर मंदिर जो है ये है मंडी में, मंडी के पंडहू में। शिकारी देवी मंदिर जो है ये भी है मंडी में, मंडी के सुंदरनगर में। श्यामा काली मंदिर मंडी में, बटूक भैरव मंदिर मंडी में, और हुरंग नारायण मंदिर ये भी है मंडी में। नेक्स्ट रहेगा हिमालय की अजंता के नाम से कौन जाना जाता है। हिमालय के जनता के नाम से जाना जाता है ताबो मठ को। ये जो ताबो मठ है ये है लाहौल स्पीति में। ताबो मठ जो है वो विश्व का सबसे पुराना मठ था जिसकी स्थापना 1996 में की गई है, 996 में इसकी स्थापना हुई है और इसे ये यशोद ने बनवाया था। बाकी और मठ है लाहौल स्पीति में, ताबो मठ जो है ये है लाहौल स्पीति में। तो और भी मठ हैं जो लाहौल स्पीति में है जिसमें आता है की मठ, गुरु घंटाल मठ, कारधांग मठ, शाशुर मठ, धनकर मठ, और हो गए जैसे गैमूर मठ, तायूल मठ,
और डक्खर गोम्पा, इतना आपने यहाँ से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए, ये आ गए थे 1959 में। तो 1959 में तिब्बत पर जब चीन का कब्जा हो गया था उसके बाद तिब्बती शरणार्थियों के साथ ये धर्मशाला आए और यहाँ पे बस गए, और यहाँ पर इन्होंने तिब्बत की अंतरिम सरकार का गठन किया और इन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वाला क्वेश्चन भी टैट में पूछा जाता है कि कब दलाई लामा जी को जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है, तो वो दिया गया है 1989 में। नेक्स्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो थोड़ा शुरू से ही बताती हूँ मैं ताकि आपके माइंड में रहे और यहाँ से टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश जो है वो 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों, टोटल हो गई 30 रियासतों से मिलकर के जो है वो बनता है। जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 जिले होते हैं जिनके नाम रहेंगे चंबा, एक मिनट, WMSC से आप याद रख सकते हो, जिन्होंने पुरानी क्लासेस लगाई होंगी उनको आइडिया होगा, बाकी जिन्होंने अपने अनुसार याद किया होगा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही से याद करना है। WMSE आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, मंडी, महासू, सिरमौर हो गया और चंबा, शॉर्ट में लिखा मैंने सिरमौर को, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा, जैसे आपने याद रखना होगा वैसे रख लेना। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तभी से जो है वो केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में उस टाइम जो है वो प्रथम मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था NC मेहता। कई बार क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम रहेगा NC मेहता। अगर उप मुख्य आयुक्त पूछे जाए तो उनका नाम रहता है EP मून। हिमाचल प्रदेश जो है वो 1948 से लेकर के 1958 तक जो है वो केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही रहता है। उसके बाद जो है वो 1951 में ग श्रेणी के राज्यों का अधिनियम पारित होता है और सितंबर 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य जो है भाग ग राज्य बनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन टैट में कई बार पूछा गया है। तो भाग ग या पार्ट सी का राज्य कब बनता है हिमाचल प्रदेश, 1951 में, सितंबर 1951 में। फिर जो है वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है। जब ये ग श्रेणी का राज्य हिमाचल प्रदेश बन जाता है तो उस टाइम जो है वो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बन जाते हैं जिनका नाम जो है वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह रहता है। और 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल हिम्मत सिंह को हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त कर दिया जाता है, डेट याद रखना। और 1951 में 36 संसदीय विधानसभा के लिए प्रथम बार आम चुनाव भी हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो 24 सीटें जीत लेती है। ये वाला क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया था तब मैंने आपको बता दिया, मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से पेपर में ये क्वेश्चन आया है, शायद टैट में ही आया है। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं जिनका नाम रहता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ये बनते हैं 24 मार्च 1952 को, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है और 1 जुलाई 1954 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर मिल जाता है और ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला जो है वो 5वां जिला रहता है, 5वें नंबर पर मिलता है बिलासपुर जा करके। उसके बाद जो है वो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और हिमाचल प्रदेश जो है वो 1956 से लेकर के 1971 तक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहता है। उसके बाद जो है वो 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को किन्नौर के नाम से बिलासपुर का 6ठा जिला बना दिया जाता है। तो 1 मई 1960 को जो है वो किन्नौर भी हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है और ये मिलने वाला जो है वो 6ठा जिला रहता है।
उसके बाद फिर से 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन होता है। उसके बाद जो है कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, अम्बाला जिले का नालागढ़ क्षेत्र, होशियारपुर जिले की ऊना तहसील का कुछ भाग, गुरदासपुर जिले के डलहौजी और बुकलो क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में आकर के जो है वो मिलना हो जाता है। अब जिलों की संख्या जो है वो 6 से बढ़कर 10 हो जाती है। उसके बाद जो है वो 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को जो है वो एकमत से पारित कर दिया और इससे रिलेटेड विधेयक जो है वो 31 जुलाई 1970 को जो है वो भारतीय संसद में पेश किया जाता है। 31 जुलाई 1970 को ये संसद में पेश किया जाता है और संसद जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का विधेयक जो है वो 18 दिसंबर 1970 को पारित करती है। मैंने इसलिए बता दिया आपको तीन ये कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कब यहाँ से जाता है कि ये जो है वो पूर्ण राज्य बनना चाहिए, वो होता है 24 जनवरी 1968 को। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो विधेयक है वो संसद में लगता है जाकर के 31 जुलाई 1970 को और अंत में संसद जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का बनाने का विधेयक जो है वो 18 दिसंबर 1970 को पारित कर देता है और लास्ट में जाकर के 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। सही आंसर इसके लिए रहेगा ए। उस टाइम जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बनता है तो उसमें हमारे देश की प्रधानमंत्री जो होती है वो होती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी और हिमाचल प्रदेश देश का 18वां पूर्ण राज्य बना दिया जाता है। जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है उसके बाद यहाँ पे राज्यपाल बन जाते हैं और प्रथम राज्यपाल बनते हैं हिमाचल प्रदेश के एस चक्रवर्ती। तो ये वाला क्वेश्चन भी टैट में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम रहेगा एस चक्रवर्ती। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पेपरों में देखने को मिल ही जाते हैं, चाहे टैट की पेपरों की बात कर लो चाहे अन्य की कर लो, पर टैट में भी ये वाले क्वेश्चन कई बार सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, उसके बाद जो है वो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो माफ़ कीजिएगा। अपनी तरफ से मैं भी कोशिश करती हूँ कि वीडियो को सही बनाऊँ पर थोड़े बहुत जो है आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद जो है वो 1 सितंबर 1972 को जो है वो फिर से जिलों का पुनर्गठन होता है और कांगड़ा जिले से हमीरपुर और ऊना जिले बनाए जाते हैं जबकि शिमला और महासू जिलों को इकट्ठा करके जो है वो शिमला और सोलन का निर्माण किया जाता है। तो पूरी फॉर्मेशन मैंने HP की आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ है, तो ये महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान रहेगा कांगड़ा का, तो ये है युद्ध संग्रहालय धर्मशाला में। अब मैं कांगड़ा के महत्वपूर्ण स्थान व संस्थानों की बात अगर करूं तो युद्ध स्मारक है धर्मशाला में, केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जिसे बोला जाता है शॉर्ट में CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CSIR वो रहेगा पालमपुर में। स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला ये भी है पालमपुर में। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने आपको एक साथ बताई ये सारे के सारे कांगड़ा के पालमपुर में है। सेंट जोन चर्च जो है वो है कांगड़ा के धर्मशाला में। क्षेत्रीय मौन या मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है कांगड़ा के नगरोटा में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे शॉर्ट में बोला जाता है NIFT NIFT ये है कांगड़ा के छेब में। और हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र ये है कांगड़ा के ड्रोह में। राजा का तालाब है कांगड़ा के रहन में। चिनम्या तपोवन संदीपनी हिमालय ये है कांगड़ा के धर्मशाला में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी सबसे जरूरी क्वेश्चन ये है कांगड़ा के अंधरेटा में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय ये है कांगड़ा के टांडा में।
अब फिर से रिपीट करूंगी जहां से पहले टाइप में क्वेश्चन बने हुए हैं। एक तो हो गया युद्ध स्मारक, यह है धर्मशाला में। एक हो गया CSIR, केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, और जिसे इंग्लिश में बोलता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पालमपुर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी है कांगड़ा के पालमपुर में। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये है कांगड़ा के ड्रोह में। स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान, ये है कांगड़ा के पालमपुर में। और शोभा सिंह आर्ट गैलरी, ये है कांगड़ा के अंधरेटा में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पहले टैट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कांगड़ा जिला कब बना था। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, सबसे पहले जो कांगड़ा जिला बन जाता है वो बन जाता है 1 नवंबर 1966 को। परंतु उस टाइम कांगड़ा में जो है वो ऊना और हमीरपुर भी होते हैं, क्योंकि इसका विभाजन जो होता है वो होता है 1 सितंबर 1972 को। तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में ये होगा तो कई बार ये इसका आंसर रहता है, और कई बार जो है अगर ये होगा ऑप्शन में तो ये इसका आंसर रहता है। अब यहाँ पे तो आपको छांटना ये इजी था, क्योंकि यहाँ पे कोई और ऑप्शन 1966 वाला तो ऑप्शन था ही नहीं। यहाँ पे सीधा पूछा गया था कि कांगड़ा जिला कब बना है। तो अगर मैं सही बात करूँ तो 1972 की ही हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम जो है यहाँ से ऊना निकल जाता है और हमीरपुर भी निकल जाता है, और ये कांगड़ा अकेला बच जाता है, क्योंकि कांगड़ा से जो है वो हमीरपुर बना है और ऊना बना है, ठीक है। तो उस हिसाब से माना जाता है कि इसका फॉर्मेशन जो है वो 1972 की ही है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा 1972 1966 लिखा होगा तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना और वहाँ पर वो टिक करके आना, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन अलग अलग पढ़े हुए हैं। परंतु उन दोनों क्वेश्चंस में अच्छी बात ये थी कि एक में 1972 आंसर जैसे ये है वैसे दिया गया था, और एक में 1966 दिया गया था, और ऑप्शन में ये वाला तब नहीं था। दोनों में से एक ही ऑप्शन में उन दोनों क्वेश्चन में दिया था, तब तो आप आसानी से इसे छांट लोगे कि कौन सा सही आंसर रहेगा। बाकी आप खुद देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो वो है यमुना पुल, ये है पांवटा साहिब में, पांवटा साहिब है सिरमौर में। नेक्स्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। सही आंसर रहेगा जनरल VN शर्मा। यहाँ पे एक दिए गए हैं ऑप्शन में जनरल PS राणा। अगर मैं जनरल PS राणा की बात करूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे, ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। तो जनरल PS राणा हो गए हिमाचल प्रदेश से प्रथम सूचना आयुक्त। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रथम न्यायिक आयुक्त थे न्यायमूर्ति JN बनर्जी, और हिमाचल प्रदेश से प्रथम पुलिस प्रमुख का नाम रहेगा SR चौधरी। तो इनको भी आपने साथ में ही याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी सही रहेगा तशीगंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो प्रथम लोकायुक्त थे TVR टाटाचारी। ये क्वेश्चन मैं आपको 47 जो हमने सीरीज जीके की डाली हुई है क्लासेस वहाँ पे सारे करवाए हुए हैं, और एक्स्ट्रा था तो एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो मेन रहेंगे फर्स्ट वो आपको मैं बता देती हूँ। प्रथम मुख्य आयुक्त थे NC मेहता, उप मुख्य आयुक्त थे EP मून, प्रथम उपराज्यपाल जनरल हिम्मत सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार, प्रथम राज्यपाल जो हैं वो रहेंगे SC चक्रवर्ती, महिला राज्यपाल अगर पूछी जाए तो पहली थी शीला कौल। अगर प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछे जाएँ तो उनका नाम रहेगा न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग, MS बेग भी शॉर्ट में पेपरों में आता है। और महिला मुख्य न्यायाधीश पूछी जाए तो उनका नाम रहेगा श्रीमती लीला सेठ। प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे कि कहा जाता है HPPSC, उनका नाम था KS कटोच। प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर HPSSC, इनके अध्यक्ष थे प्रथम KC मल्होत्रा। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जयवंत राम, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष नाम रहेगा विद्या स्टोक्स, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री कृष्णचंद,
प्रथम मुख्य सचिव केएल मेहता। अब एक बात यहाँ से क्लियर कर लेना, एक रहेंगे प्रथम मुख्यायुक्त और एक रहेंगे प्रथम मुख्य सचिव। जो प्रथम मुख्यायुक्त थे उनका नाम था एनसी मेहता और प्रथम मुख्य सचिव है उनका नाम रहेगा केएल मेहता। और जब भी क्वेश्चन पेपर में दोनों में से पूछा जाता है तो दोनों ऑप्शन में होते हैं। तो फिर से बोल रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, प्रथम मुख्य आयुक्त एनसी मेहता और प्रथम मुख्य सचिव केएल मेहता। प्रथम विधानसभा सचिव एनसी नंदी। प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रशासनिक अधिकरण न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रामकर्ण सिंह। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो कि है पालमपुर में हेतराम कालिया। प्रथम कुलपति हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं उद्यान विश्वविद्यालय जो कि है नौणी के सोलन में, इनके अध्यक्ष थे प्रथम एम आर ठाकुर और प्रथम शिक्षा निदेशक थे के एल सेठी। नेक्स्ट रहेगा, वर्ष 1986 में प्रथम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विजेता थे मैया गोवर्धन सिंह। वर्ष 1987 में प्रथम पुरस्कार परशुराम पुरस्कार विजेता जो थी उनका नाम रहेगा श्रीमती सुवन रावत और 1987 में ही इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो दोनों इन्हें मिले हुए हैं, परशुराम पुरस्कार भी और अर्जुन अवार्ड भी, और ये एक धाविका है। वर्ष 1986 में प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार मिला है श्री केशव को और वर्ष 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार मिला है जयदेव किरण को। हिमाचल पोलियंड्री नामक किताब का लेखक कौन है? सही आंसर रहेगा डी एन मजूमदार। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस नदी का आयतन सबसे अधिक है? तो सीरीज में आपको ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ है, सबसे ज्यादा आयतन जो रहता है वो रहता है चिनाब का। चिनाब जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी पूछी जाए तो सबसे लंबी हिमाचल प्रदेश की नदी रहेगी सतलुज और सबसे बड़ी रहेगी चिनाब। तो चिनाब के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं। चिनाब का जो वैदिक नाम रहेगा वो है आशिकनी, संस्कृत नाम है चंद्राभागा, उद्गम स्थान रहेगा बाराचाला दर्रे के विपरीत दिशाओं से निकलने वाली दो नदी धाराओं चंद्रा और भागा के तांडी नामक स्थान पे मिलने से बनती है। ये जो तांडी है ना ये है लाहौल स्पीति में। सहायक नदियां रहेंगी मियार नाला और सेंचर नाला। बाकी हिमाचल प्रदेश में ये 122 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पांगी घाटी के बुजिन नामक स्थान से चंबा में प्रवेश करती है, संसारी नाला में चंबा जिला छोड़कर कश्मीर में चली जाती है और जन ऋतु की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। अब नदियां तो यहाँ पे और भी हैं पर फिर हमारी सीरीज ये काफी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने काफी यहाँ से छांटे हुए हैं एचपी जीके के ही, तो बताऊं या नहीं ऐसा करती हूँ बता देती हूँ, काम में आएंगी नदियाँ, एक आपका महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। बात करते हैं सतलुज की, तो सतलुज के आपके संस्कृत और वैदिक नाम नहीं पूछे जाते, पर सुन लो स्तुरदी और सतरदु। उद्गम स्थान रहेगा तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है वो रक्सास से। सहायक नदियाँ रहेंगी बसपा स्पीति नोगली स्वां अली कैथी यूला शांग उठार इत्यादि। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी रहेगी और सबसे पहले किन्नौर जिला के सिपकिल्ला नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो इसी नदी पर बनी है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध 1963 में इस नदी पर बन के तैयार हुआ है और यह अंत में राष्ट्र के जाकर के जो है वो सिंधु नदी में मिल जाती है। बाकी बात करते हैं रावी की, तो संस्कृत नाम रहेगा रावी का इरावती, वैदिक नाम पुरशनी। निकलती है बड़ा बंगाल में बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों के द्वारा स्थित रूप से बनती है। सहायक नदियां रहेगी बादल स्यूल बैरा तांतगिरी चिड़चिन नाला बुडिल छतराणी साल ओबली मंगला तुन्हा चनेड़खट। बाकी नदी रहती है ब्यास, ब्यास का वैदिक नाम रहेगा अजंकिया, संस्कृत नाम रहेगा विभाषा। निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। सहायक नदियां रहेंगी पार्वती उलहुल्ला सैन स्वेती लूनी बार गंगा बिरमा चक्की निगुल गज दहर मैनखंड बनेर बिकेर सोन जीवनी सरवरी पतलीकूर। नेक्स्ट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ है? 1953 में ये लागू हुआ है। नेक्स्ट रहेगा कि कामरू नागझील मंडी के जिले के किस तहसील में है? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि ये है चोट में और 3150 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। बाकी यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया नदियों से कि वैदिक काल में किस नदी को पुरशनी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर रहेगा सी रावी को।
नेक्स्ट रहेगा कि द्रन घाटी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है शिमला में, ऑप्शन बी। यहाँ पे और भी अभयारण्य रहेंगे जिसमें है शिमला जल स्त्रावण और टालरा। शिमला जल स्त्रावण तो कोई नहीं डालेगा, परंतु टालरा डाल सकते हैं, तो ये टालरा या फिर तालरा भी लिखा जाता है इसे, तो ये है शिमला में। बाकी और डिस्ट्रिक्ट भी बता देती हूँ आपको, बिलासपुर में है गोविंद सागर नैना देवी, जो कि यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। चंबा के पूछे जाते हैं पेपरों में, तो चंबा में जो वन्य जीव अभयारण्य है उनका नाम रहेगा गांगुल, सियाल बही, काला टोप खजियार, कुगती, सेचुतवान नाला, तुंदा या तुंडा, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट रहते हैं कांगड़ा में, कांगड़ा में है धौलाधार और महाराणा प्रताप सागर। अब करते हैं किन्नौर की बात, किन्नौर में जो वन्य जीव अभयारण्य है उनके नाम रहेंगे लिप्पा असरंग, रक्षम चितकुल, डूपी भावा। नेक्स्ट बात करते हैं कुल्लू की, और कुल्लू से पेपरों में पूछे जाते हैं, तो उनको याद रखना कैंस या कायस, दोनों एक ही हैं, कमर हो गया या कनावर, ये भी कुल्लू में है, खोखन कुल्लू में, मनाली कुल्लू में, सैंज कुल्लू में, तीर्थन कुल्लू में। लाहौल स्पीति अगर बात की जाए, तो लाहौल स्पीति में दो मुखिया वन्य जीव अभयारण्य रहते हैं जिनके नाम रहेंगे चंद्रताल और किब्बर। किब्बर पेपरों में पूछा जाता है, किब्बर को पेपरों में पूछने का कारण यह है कि ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये है लाहौल स्पीति के किब्बर में। और ये जो किब्बर है ना, इसकी जो क्षेत्रफल रहता है वो होता है 2220 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई है इसकी 1992 में। बाकी बात करते हैं मंडी की, तो मंडी में जो रहते हैं उनका नाम रहता है वन्य जीव अभयारण्य बांदली या बांबली, नारगू, शिकारी देवी। बात करते हैं सिरमौर की, तो सिरमौर में है चूड़धार और रेणुका। और नेक्स्ट रहता है सोलन डिस्ट्रिक्ट, तो सोलन में चार मुखिया वन्य जीव अभयारण्य है जिसमें है चायल, मजाथल, सिल्ली, धालाघाट। पेपरों में पूछा जाता है मेनली सिल्ली। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि क्षेत्रफल रहता है 2 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा हो गया लाहौल स्पीति में, जिसका नाम रहता है किब्बर, जिसकी जो क्षेत्रफल रहता है वो है 2220 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा है सिल्ली, जो कि है सोलन में, क्षेत्रफल रहता है 2 वर्ग किलोमीटर। तो इतना आपने यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, 2018 में। नेक्स्ट रहेगा कि नरसिंह तिब्बा चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो ये है चंबा में। निक्का चित्रकार किस रियासत के दरबार से जुड़ा था, सही आंसर रहेगा चंबा। नेक्स्ट रहेगा कि गंगी और महुआ लोकगीत किस क्षेत्र से जुड़े हैं, सही आंसर रहेगा डी बिलासपुर से। शिमला के निकट किस स्थान पर गोल्फ कोर्स है, अभी बताया नाल देहरा में। नेक्स्ट रहेगा, ये दूसरा जीके का क्वेश्चन रहेगा, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर किस देश में है, बीच में है तो बता देती हूँ कंबोडिया। नेक्स्ट रहेगा कि चोरा और डोरा निमन में से किस जनजातियों का पारंपरिक परिधान है, तो ये रहेगा गद्दी, ऑप्शन सी। चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया था, सही आंसर रहेगा सी उमेद सिंह ने। नेक्स्ट रहेगा कि उदयपुर का पुराना नाम क्या है, तो वो है मरकुल। बाकी मैं हिमाचल प्रदेश के और भी जो नगर हैं उनके पुराने नाम पेपरों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जुब्बल से। जुब्बल का पुराना नाम था देवरा। सिरमौर का पुराना नाम था सुलुकीना। सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड। बैजनाथ का पुराना नाम है किरगिराम। बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर। सराहन का था सौनितपुर। ऊना का था जसवान। नूरपुर का धमेरी। भरमौर का ब्रह्मापुर। कांगड़ा का त्रिगर्त। कुल्लू का कुलूथ। नालागढ़ का हंडूर। किन्नौर या कल्पा का चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है, सही आंसर सी किशोरीलाल बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, सही आंसर डी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। नेक्स्ट रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम है चंबा की। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर पूछे जाएं कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो है हमीरपुर की। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान की बात की जाए तो उनका नाम रहेगा शिव प्रताप शुक्ला। तो बस आज हम इतना ही करेंगे, बाकी भी सीरीज काफ़ी लंबी अभी बच जाती है, तो मैं कल
टू पार्ट्स में डाल दूंगी अगर आपने देखनी हो ये सीरीज। और दूसरा ये भी बता दें कि क्या आपने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर आंसर ही करने हैं या फिर एक्स्ट्रा भी आपने करना है जैसा मैंने आपको बताया। उससे ये फ़ायदा है कि आपका काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ से डिस्कस हो रहा है और आपका भी रिविज़न हो जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताएं अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए होगी। तो मैं कल इसे ऐसा कोशिश करूँगी कि कल मैं ऐसे जो है आपको सुबह सुबह प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। तो मैं सुबह सुबह ये सारी इकट्ठी डाल दूँगी। और जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस देखनी हो ना वो 2017 से लेकर 2021 तक जो है वो 8 पेपर एक साथ एक डिस्कस करके डाल दिए गए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।